हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं बियर मग क्रीम केक। हाँ, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चॉकलेट केक लिया है। ये मैंने 5 इंच टिन में बेक किया है केक। इसके लिए आपको हाइट रखना होगा केक का ज़्यादा। तो यहाँ हम गनाश लगा रहे हैं। चोको चिप्स डाल दिए कुछ। अब यहाँ हम एक स्ट्रॉ डाल रहे हैं बीच में केक के, ताकि ये बैलेंस इसका बना रहे केक, क्योंकि हाइटेड जो होते हैं केक्स उसमें केक थोड़ा स्लिप होने का डर रहता है। इसके लिए हम यहाँ पे कुछ सौते स्टिक्स डाल रहे हैं, ये इसको अनबैलेंस नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लास्ट लेयर लगा दी है केक की, इसे भी हम अच्छे से कोट कर लेंगे। अब ये देखिए, ऊपर से मैंने स्ट्रॉ कट कर दिया है। अब ये फाइनल कोटिंग मैं कर देती हूँ चॉकलेट गनाश की। अभी इसको हम सेट करने रखेंगे। यहाँ हमने क्रीम बना ली है, 1 घंटा हमने फ्रिज में केक सेट कर लिया था। तो अब हम इसमें शुगर इनका आइसिंग जेल कलर डाल रहे हैं, येलो कलर। तो ये थोड़ा सा मैंने कलर जेल इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम एक हल्की पतली लेयर बना इस पे लगाएंगे केक पे। बहुत ज़्यादा आप क्रीम यूज़ ना करें, जितना बस कवर होता है केक उतना ही आप क्रीम यूज़ करें अपने केक में। तो यहाँ हमारा केक कंप्लीट है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको टेक्सचर देंगे। यहाँ मैंने ये ऑरेंज कलर लिया है शेफ मास्टर का, ये मैंने 1-2 ड्रॉप यहाँ पे डाल लिए हैं। अब हम इससे एक ये छोटा स्पैचुला है मेरे पास, पैलेट नाइफ है, तो इससे हम इसे इस तरह से टेक्सचर देंगे, जिससे ये बियर मग का इफेक्ट देगा हमें। यहाँ हमने केक को टेक्सचर दे दिया है अच्छे से। अब हम यहाँ एक पाइपिंग बैग में हमने ये क्रीम ले लिया है, जिससे हम यहाँ बियर फॉर्म बना रहे हैं। जो बियर मग के ऊपर होता है ना फॉर्म, वो फॉर्म हमें यहाँ पे बनाना है। तो इसमें कुछ नोजल की ज़रूरत नहीं है, आप बिना नोजल के भी ये कर सकते हैं, जिस जैसे ही रेंडमली आपको निकालने हैं। थोड़ा फॉर्म नीचे गिरता हुआ। अब हमारा ये मग कंप्लीट है। अब हम थोड़ा सा इसमें हैंडल वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ हैंडल मैंने पहले ही बना के रख लिया था, क्योंकि हमें वो 1-2 दिन पहले बना के रखना होता है। जब भी आप कोई फोंडेंट के फिगरिंग्स या टॉपर्स बनाते हैं, तो उसे 1-2 दिन पहले बना के रखेंगे तो वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ मैं एक स्ट्रिप निकाल रही हूँ, क्योंकि नीचे मग पे हमें स्ट्रिप्स लगानी है। तो यहाँ एक स्ट्रिप पर मैं सिल्वर कलर कर रही हूँ। ये सिल्वर डस्ट कलर है मेरे पास। इसमें मैंने थोड़ा सा एवेपोरेक्स मिक्स किया है। आपके पास वो नहीं है तो आप वोडका भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा हैंडल भी रेडी है, और ये नीचे हम स्ट्रिप लगा देंगे। अब हम इस पे हैंडल भी लगा देंगे इसका। इसके लिए आप नॉर्मली एक फोंडेंट रोल कीजिए पतला, और उसे इस तरह से शेप दे दीजिए, और जब वो ड्राई हो जाए तो आप दोनों तरफ उसके स्टिक लगा दीजिए। ये बहुत ही इजी है। इस तरह से इसे फिक्स कर दीजिए। ये फिक्स हो गया है अच्छे से।
अब यहाँ पे हम हैप्पी बर्थडे कटर से, हमने अल्फाबेटिक कटर से ये हैप्पी बर्थडे का ये टैग बना लिया था, तो इसे भी अच्छे से ड्राई होने दें और थोड़ा सा पानी बोर्ड पर लगा के आपको इसे स्टिक करना होगा। तो यहाँ हमारा केक कंप्लीट हो गया है, ये बीच में मैंने फोंडेंट से एक टैग बना के लगा दिया है। और इस तरह से हम ये टूथपिक इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये डिलीवरी होने तक ये फिक्स रहे, नहीं तो क्रीम के साथ जो फोंडेंट होता है वो मेल्ट होने लगता है और फिर वो नीचे स्लिप हो जाते हैं कई बार, तो आप इस तरह से फिक्स कर दीजिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये बियर मग क्रीम केक, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आई होप आपको ये पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।